गोरखपुर जिले में मंगलवार को 83 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर में इलाज के दौरान एक 65 वर्षीय और एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। अब गोरखपुर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,761 हो गई है। इनमें से 308 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 17,488 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 965 कोरोना मरीज एक्टिव है। इनकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जाँच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि अगर शहर की बात करें तो 33 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में मंगलवार को सबसे अधिक 10 मरीज शामिल है। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 6, शाहपुर में 6, कोतवाली में 5, रामगढ़ताल में 1, राजघाट में 3, तिवारीपुर में 2 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 40 नए मरीज मिले। इनमें चरगावा में 19, खोराबार में 2, पाली में 1, गोला में 1, ब्रह्मपुर में 2, गगहा में 4, बड़हलगंज में 2, पिपराइच में 1, कैंपियरगंज में 2, उरवा में 6 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में 10 मरीज और शामिल है। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित।